जम्मू कश्मीर एयरफोर्स स्टेशन हमले में बड़ा खुलासा, ड्रोन के टारगेट थे ATC और MI-17 हेलीकॉप्टर, इन्हें हिरासत में लिए दो संदिग्ध। आपसी कलह के बीच पंजाब में कांग्रेस को बड़ा झटका, अकाली दल में शामिल होंगे पूर्व मंत्री अश्विनी सेखड़ी। दिल्ली में लगातार दूसरे दिन 100 से कम नए कोरोना केस दर्ज, कल से खुलेंगे बैंक्वेट हॉल और जिम। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर जन अधिकार पार्टी ने पटना में निकाला आक्रोश मार्च। हरियाणा में रियायतों के साथ 5 जुलाई तक बढ़ाया गया कोरोना लॉकडाउन, स्पा और स्विमिंग पूल अभी भी रहेंगे बंद। नमस्कार, उत्तर प्रदेश की खबरों में आपका स्वागत है, मैं हूं आपके साथ अनुष्का सिंह। राजधानी लखनऊ के गोसाईगंज ब्लॉक के मोहनलालगंज सांसद कौशल किशोर ने अहम बैठक की। इस बैठक में उनके साथ प्रधान सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और निगरानी समिति के लोग मौजूद रहे। सांसद मोहनलालगंज कौशल किशोर ने कोरोना की तीसरी लहर से बचने के लिए निगरानी समिति को कोरोना किट बांटी, साथ ही आदेश दिए कि तीसरी लहर से बच्चों को बचाने के लिए ज्यादा सतर्क रहें। इसी के साथ सांसद ने लोगों से यह भी अपील की कि कोरोना के नियमों का पालन करें और बिना मास्क के घर से बाहर बिल्कुल ना निकले। कार्यक्रम ये गोसाईगंज ब्लॉक और सामूहिक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जो निगरानी समिति है जिसमें ब्लॉक के लोग शामिल हैं और आशा बहुएं हैं, आंगनबाड़ी वर्कर संगिनी हैं, ये सब लोग शामिल हैं। उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी की जो इच्छा है कि जो तीसरी लहर आएगी कोरोना की, बच्चों पर ज्यादा घातक होगी, जैसा WHO ने। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव अयोध्या पहुंचे। शिवपाल सिंह यादव ने कहा कि बीजेपी को सत्ता से बाहर करने के लिए एक ही गुरु मंत्र है कि विपक्ष एकजुट होकर चुनाव लड़े तो उन्हें आसानी से सत्ता से बाहर निकाला जा सकता है। शिवपाल यादव ने राम मंदिर ट्रस्ट पर लगे आरोपों पर कहा कि पूरे देश की जनता ने चंदा दिया है, इसलिए निधि समर्पण की एक एक पाई का हिसाब होना चाहिए, इसकी जांच किसी निष्पक्ष संस्था द्वारा कराई जानी चाहिए। आगे जमीन विवाद मामले पर लगाए जा रहे आरोपों पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा कि चुनाव नजदीक है, 6 महीने बाद चुनाव है तो सरगर्मियां तेज होनी लाजमी है। उन्होंने कहा कि हमने 2 साल पहले एक गैर भाजपावाद का एक नारा दिया था और सभी पार्टी इकट्ठा होकर भारतीय जनता पार्टी को हटाने के लिए प्रयास करें तो आसानी से सत्ता से बाहर किया जा सकता है। देखिए, यहाँ पर अभी तो हम आश्रम में आए थे, भंडारा था, और फिर यहाँ महाराज जी बैठे हैं, परशुराम दास जी, इनसे भी आ गए आश्रम में, आशीर्वाद लिया है और आशीर्वाद लेकर के जा रहे हैं फिर 2022 की तैयारी। आज यानी 27 जून को मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना वैक्सीनेशन सहित कई मुद्दों पर अपनी बात रखी। अधिकतर लोगों में वैक्सीनेशन की झिझक दूर करने के लिए भी PM ने लोगों से आग्रह किया है। महामारी से बचने के लिए उन्होंने बोला कि वैक्सीन जरूर लगवाएं। इसी कड़ी में आगरा में भी खुली चौपाल लगाकर किसानों ने PM की बात सुनी। इस दौरान किसानों के साथ फतेहपुर सीकरी सांसद और किसान मोर्चा के अध्यक्ष भी मौके पर मौजूद रहे। माननीय प्रधानमंत्री जी का ये मानना है कि जो भी कार्रवाई है वो धरातल पे होनी चाहिए, उसी को लेके माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष किसान मोर्चा राजकुमार चाहर जी के आह्वान पे हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं ताकि मन की बात के प्रमुख बिंदुओं पर सुनते हुए, विचार करते हुए उनको धरातल पे अमल में लाया जाए। हाँ, वो अच्छी तरीके से किसानों को संभाल रही है, किसानों को जो उनका मोदी जी का कहना है कि हम किसानों की इनकम दुगनी करेंगे, मुझे लगता है कि मोदी जी की बात तो पूरी हो गई है, किसानों की इनकम दुगनी हो रही है और मुझे लगता है कि किसानों की और देश में अनेक अनेक प्रकार के जैसे प्रगतिशील किसान हों, चाहे उद्योगपति हों, चाहे व्यापारी हों, या मजदूर वर्ग के लोग हों, श्रमिक वर्ग के लोग हों, अन्य अन्य वर्ग के लोगों ने जो अच्छा अच्छा काम अपने क्षेत्र में किया है, चाहे वो जल संरक्षण में किया हो, चाहे किसानों ने औषधीय पौधे लगाने के काम किए हों, अन्य प्रकार के काम जो भी उन्नति के। कुशीनगर के चंद्रपुर गांव में बंजर जमीन पर बने आशियाने को उजाड़ने का आरोप प्रधान और लेखपाल पर लग रहा है। इस मामले में ग्रामीणों ने लेखपाल और प्रधान के खिलाफ हंगामा करते हुए कप्तानगंज मार्ग को जाम कर दिया।
पीड़ित पक्ष की मदद के लिए सपा के पूर्व विधायक भी उनका साथ देने के लिए मौके पर पहुंचे और उन्होंने भी लेखपाल के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की मांग की। देखिए मामला ये है कि गांव में 80% लोग बंजर या डीह की जमीन में बसे हैं और क्या नाम उसका हो वो अभी जो है कई पुस्तों से बंजर की जमीन में बसा हुआ है और दीपक कुशवाहा बंजर की जमीन में बसा हुआ है और गांव की 75% लोग बंजर डी या नवीन परसी में बसे हैं। तो मामला ये है, उसको कष्ट है, यहाँ पुलिस के लोग आए हैं, वो जाकर के देख रहे हैं लोग, अगर ये मामला हल नहीं होगा तो। वहीं इसी खबर पर तमाम जानकारी देने के लिए मैं संवाददाता आदित्य हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो आदित्य, जिस तरीके से कुशीनगर से ये मामला सामने आ रहा है जहां चंदरपुर गांव के लोग इस वक्त प्रधान और लेखपाल से परेशान हैं, आखिर क्या कुछ आरोप ग्रामीणों के द्वारा लगाए गए हैं? जी, जैसा आपको बता दें कि रामकोला थाना क्षेत्र के चंद्रपुर गाँव का मामला है जहाँ पे बंजर जमीन में बने रियायती झोपड़ी को प्रधान और लेखपाल द्वारा हटाने का आरोप लगा है। वहीं पीड़ित पक्ष अपने कुंबे के साथ रामकोला और कप्तानगंज मार्ग को जाम कर दिया। जब इसकी जानकारी पूर्व विधायक पुनवासी देहाती को तत्काल मौके पर पहुंची और मामले की जांच कराने की बात कही। जब इस संबंध में उपजिलाधिकारी कप्तानगंज से बात किया गया तो उन्होंने बताया कि मामला हमारे संज्ञान में नहीं है, जबकि लेखपाल का कहना है कि उपजिलाधिकारी के आदेश पर ही उस झोपड़ी को हटाया गया। बताया जा रहा है कि वो जमीन बंजर है, लेकिन बिना पीड़ित पक्ष को किसी नोटिस के बिना ही झोपड़ी को हटाना कहीं ना कहीं गलत है। तो राजस्व विभाग की जो टीम है तानाशाह हो चुकी है, वहाँ तानाशाह रवैया अपनाते हुए झोपड़ी को हटाई गई। जी, तो जिस तरीके से आज ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया है, उन्होंने मार्ग को भी जाम कर दिया, ऐसे में पुलिस प्रशासन की तरफ से क्या कुछ सख्ती देखने को इस वक्त मिल रही है? जैसा कि जब पीड़ित परिवार अपने कुंबे के साथ रास्ते को जाम किया, उसके बाद सपा के पूर्व विधायक पुनवासी दाती भी पहुंचे। जब इसकी जानकारी जिला प्रशासन को हुई तो तत्काल पुलिस के साथ पहुंचे राजस्व कर्मी भी और वहां पूरे ग्राम सभा में लोगों के साथ बात किया और मामले को शांत कराया तथा रास्ता भी साफ कराया। लेकिन वही पुनवासी देहाती से जब इस पर बात हुई तो उन्होंने कहा कि इस तरह की जो भाजपा की सरकार में लगातार जो भी अधिकारी हैं तानाशाह हो चुके हैं, इसको लेकर के अगर सभी लोग बंजर में बसे हुए हैं तो सबको खाली होने चाहिए। अगर यह बंजर में इसकी झोपड़ी हटाई गई तो इस पर जिलाधिकारी से हम बात करेंगे। तो जिलाधिकारी से बात करने की पूर्व विधायक ने किया है और इस समय गाँव में जो माहौल है शांत है। जी जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका आदित्य इस तमाम जानकारी के लिए। तो कुशीनगर से यह मामला सामने आया जहाँ पर इस वक्त प्रधान और कह सकते हैं कि लेखपाल के पर गंभीर आरोप इस वक्त ग्रामीण लगा रहे हैं। उनका कहना है कि उनके आशियाने को उजाड़ने का काम इस वक्त प्रधान और लेखपाल कर रहे हैं, जिसका विरोध करते हुए आज उन्होंने मार्ग भी जाम कर दिया। जौनपुर में अपना दल के राष्ट्रीय महासचिव पप्पू माली ने निर्दल प्रत्याशी नीलम सिंह का विरोध करते हुए उनके ऊपर गंभीर आरोप लगाए हैं। राष्ट्रीय महासचिव पप्पू माली ने कहा कि निर्दलीय प्रत्याशी नीलम सिंह को बीजेपी समर्थन दे रही है, लेकिन नामांकन के दौरान उनके साथ भाजपा का विधायक और मंत्री कोई भी मौके पर मौजूद नहीं रहा, इसलिए अपना दल के लोग गठबंधन पर गंभीर रूप से सवाल उठा रहे हैं। तो आप भी सुनिए कि अपना दल के राष्ट्रीय महासचिव पप्पू मालिक ने क्या कुछ कहा। बता रहे हैं सुख खेतासराय जी, कल 10:30 बजे रात जिला पंचायत सदस्य कमालुद्दीन के यहाँ गए हैं और उनको हड़का रहे थे कि आप नीलम सिंह को वोट दीजिए नहीं तो आपके ऊपर फर्जी कार्रवाई की जाएगी। किसके दबाव में राजेश यादव ऐसा कर रहे हैं? अब वहाँ अभी हम तो एसपी साहब से मांग करें किसके दबाव को कर रहे हैं ऐसा। हम एसपी साहब से अनुरोध करना चाहते हैं कि ऐसे थाना अध्यक्ष के ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई, इसकी जांच का विषय है, जांच कराएं। कई जिला पंचायत सदस्य है वहाँ पर और भी लोगों को दबाव डाला है। अभी जो हमारे संज्ञान में वो मैं आपके सामने रखा। कमालुद्दीन किस दल से जीते हैं, निर्दल जीते हैं, किसी दल से जीते हैं? धर्मांतरण मामले में यूपी में इस वक्त कार्यवाही का दौर जारी है। शाहजहांपुर में भी धर्म परिवर्तन का एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है। फरीदापुर गांव की रहने वाली रेनू गंगवार दिल्ली एयरपोर्ट पर डिपार्टमेंट में नौकरी करती हैं। रेनू ने बताया कि दुबई एयरपोर्ट पर उसे मोटी सैलरी पर नौकरी मिल सकती है, लेकिन दुबई में मुस्लिम महिलाओं को वरीयता दी जाती है। मोटी सैलरी हासिल करने के लिए रेनू ने दिल्ली के एक मौलवी से मिलकर अपना धर्म परिवर्तन करा लिया। रेनू का नाम अब आयशा अल्बी रखा गया है।
हालांकि जब रेनू ने मुस्लिम धर्म अपनाया है तो उसके परिवार वालों ने कड़ा विरोध किया, लेकिन युवती का कहना है कि उसने सैलरी में तरक्की हासिल करने के लिए दुबई में नौकरी करने के लिए अपने धर्म को परिवर्तित किया है। हमीरपुर में भाजपा और निषाद पार्टी के लोग आमने सामने आ गए। दरअसल निषाद पार्टी से जिला पंचायत अध्यक्ष पद के उम्मीदवार पर प्रशासन ने कार्यवाही की है और प्रशासन की इस कार्यवाही पर निषाद पार्टी के उम्मीदवार ने सत्ता पक्ष की शय में रहकर दबाव बनाकर आरोप लगाया है। आपको बता दें कि इसके अलावा प्रशासन ने दो मोहरम से भरी गाड़ियों पर भी कार्यवाही की है। बता दें कि जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए निषाद पार्टी के उम्मीदवार ने कल ही पर्चा दाखिल किया था, जिसके बाद उनके खिलाफ प्रशासन के द्वारा कार्यवाही की गई। का निषाद पार्टी से प्रत्याशी हूं। पर्चा भरने के बाद से हमीरपुर का जिला प्रशासन सत्ता पक्ष के नेताओं के दबाव में आकर मेरे ऊपर द्वेषपूर्ण भावना से कार्रवाई कर रहा है। वह मुझे दबाव में लेने का प्रयास कर रहा है। व्यवसायिक तौर पर मैं खनन व्यवसायी हूं। शासन द्वारा स्वीकृत पट्टे में मैं नियमित कार्य करता हूं। फिर भी प्रशासन द्वारा मेरे व्यवसाय पर द्वेषपूर्ण भावना से कार्रवाई की जा रही है। मैं चुनाव आयोग से अपील करना चाहता हूं। भारत का नागरिक होने के नाते लोकतांत्रिक अधिकार का प्रयोग कर मेरे चुनाव लड़ने में डाली जा रही बाधाओं को संज्ञान में लेकर प्रशासन को अवगत कराने का कष्ट करें। प्रशासन द्वारा सत्ता पार्टी के उम्मीदवार की मदद करना लोकतांत्रिक अधिकारों की हत्या है। मुझे ऐसा भी लगता है कि जिला प्रशासन के जिम्मेदार अधिकारी निष्पक्ष। राजधानी लखनऊ के गोसाईगंज विकास खंड के अमेठी कस्बे में आवारा कुत्तों के हमलों से लोगों में दहशत का माहौल बन गया है। अब तक कई घुमंतू और पालतू जानवरों को कुत्ते निवाला बना चुके हैं और कई इंसानों के ऊपर भी हमला करने के साथ कई बच्चों को भी उन्होंने घायल कर दिया है। दिन में यह आदमखोर कुत्ते जंगल की तरफ भाग जाते हैं और देर रात झुंड बनाकर घरों में हमला करना शुरू कर देते हैं। अब तक पीड़ितों की मदद उन्हें किसी भी प्रकार से नहीं मिल पाई है। क्षेत्रीय पार्षद ने अधिकारियों को मामले से अवगत कराया पर अभी तक कोई भी कार्यवाही इसमें नहीं की गई। मामला ये है कि आवारा कुत्तों का आतंक जो है बहुत ज़्यादा फैल चुका है हमारे यहाँ अमेठी में। ये घटनाएं लगभग 10-15 दिनों से हो रही हैं। इनकी सूचना मुझे जो है कल जब मेरी ये घटना मेरे घर मेरे साथ हुई तब मुझे पता चला। फिर मेरे घर के सामने एक घटना आज हुई जिसमें जो है आवारा कुत्तों ने कुछ जानवरों को मार दिया। फिर लोगों से बात हुई, अपने वार्ड के लोगों से बात हुई, तब मुझे इस संबंध में बताया गया कि 10-15 दिनों से ये घटनाएं हो रही हैं और ये कुत्ते अब आदमखोर बन चुके हैं जो इंसानों। कानपुर के बर्रा थाना क्षेत्र में गैस के गोदाम में चोरी करने वाले शातिर चोर को लोगों ने पकड़ लिया। पकड़े गए चोर को लोगों ने पेड़ से बांध दिया और उसकी जमकर पिटाई की। इसके बाद पुलिस को चोरी के बारे में जानकारी दी गई। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने चोर को फौरन हिरासत में ले लिया। चोर के पास से एटीएम कार्ड और कुछ सामान भी बरामद किया गया है। सहारनपुर पुलिस लगातार अपराधियों और माफियाओं के खिलाफ कार्यवाही कर रही है और उनकी संपत्तियों को कुर्क कर रही है, लेकिन बदमाशों के हौसले हैं कि कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं। बता दें कि थाना सदर बाजार के क्षेत्र के मोहल्ला रविनगर में मेन रोड पर सुबह के वक्त ड्यूटी कर लौट रहे एक रेलवे कर्मचारी के साथ बदमाशों ने लूट की घटना को अंजाम दिया। पीड़ित कर्मचारी के साथ मारपीट करते हुए आरोपी पर्स व चेन लूट कर फरार हो गए। वहीं लूट की यह पूरी घटना पास ही लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। थाना सदर बाजार क्षेत्र में एक बाइक से कोई सवार आ रहा था, उसके साथ उसके चेन छीनने की घटना जानकारी में आई है। थाना सदर बाजार पुलिस को बताया गया है कि वहाँ पे जो आसपास सीसी कैमरे लगे हों उसकी पड़ताल कर लें और उससे गहराई से छानबीन करके इसमें पता करें कि किसके द्वारा यह घटना की गई है और इसमें शीघ्र ही विधिक कार्रवाई की जा रही है। सहारनपुर में पुलिस शातिर अपराधियों और गैंगस्टर के खिलाफ एक्शन मोड में दिखाई दे रही है। पुलिस ने 15,000 के इनामी बदमाश को गिरफ्तार करते हुए सफलता हासिल की है। गैंगस्टर के दो साथी भी पुलिस के हत्थे चढ़ गए हैं, जिनके कब्जे से अवैध असलहा और बाइक को भी बरामद किया गया है। बता दें कि पकड़े गए इनामी गैंगस्टर के ऊपर कई मुकदमे पहले से दर्ज हैं। थाना पुलिस ने एक गुडवर्क किया है, इसमें तीन शातिर किस्म के अपराधी पकड़े गए हैं और इन तीनों में एक काफ़ी दिन से वांछित चल रहा था और गैंगस्टर का अभियुक्त है, वो गैंगस्टर एक्ट का, उस पर 15,000 का इनाम भी था।
तो एक इसमें से एक इनामी अपराधी गिरफ्तार हुआ है, दो अन्य हुए हैं। इनके पास से तमंचे कारतूस मिले हैं। इसके अलावा इनके पास से 7 चोरी की मोटरसाइकिल बरामद हुई है, जिनके बारे में पता किया जा रहा है कि कहां से इन्होंने चुराया है। पूछताछ पे कुछ जानकारी इन्होंने दिया है, उसी के आधार पे आगे की जांच पड़ताल की जा रही है। इस प्रकार चिलकाना पुलिस द्वारा इन 3 साथी अभियुक्तों को गिरफ्तारी करके। सोनभद्र में पिछले कुछ दिनों से लगातार बारिश हो रही है। भारी बारिश की वजह से सड़कों पर भी पानी भर गया है। आकाशीय बिजली की चपेट में आने से 3 लोगों की मौत भी हो गई, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है, जहां 2 घायलों की हालत गंभीर देखते हुए उन्हें जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया है। बुलंदशहर के नरोरा थाना क्षेत्र में 2 दिन से लापता महिला का शव गंगा नदी में बरामद हुआ। सूचना मिलने के बाद पुलिस की टीम घटनास्थल पर पहुंच गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं मृतका के परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया है। फिलहाल पुलिस ने शिकायत के आधार पर जांच के आदेश दे दिए हैं और उसी के आधार पर आगे की कार्यवाही की जाएगी। और इसी के साथ उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। नमस्कार।